मैथ स्टैट एल आर दुखती दर्द, हर एक बच्चे की दुखती दर्द बच्चों, ये सब्जेक्ट आप देखते हैं आईसीएआई का जो एग्जाम होता है हर साल मैक्सिमम बच्चे रुक जाते हैं, और वो क्यों? मैथ स्टैट एल आर के कारण। कई बच्चे घबराए हुए थे कि सर स्ट्रैटेजी क्या होनी चाहिए, हमें समझ में नहीं आ रहा है, कैसे तैयारी करें, कौन सा टॉपिक पहले स्टार्ट करें, है ना, कौन कौन से चैप्टर छोड़ने, कौन कौन से चैप्टर करने। तो बच्चों ये सब बताने के लिए आज मैं यहाँ पे आया हूँ। ये 3 महीने की स्ट्रैटेजी आपको बता रहा हूँ, हर एक उस बच्चे से शेयर करे जो पास होना चाहता है। तो चलिए क्या है स्ट्रैटेजी, एक एक करके डिटेल में जानेंगे बच्चों। आपने क्या करना है, 3 टारगेट में सेट करना है, टारगेट 1, टारगेट 2 एंड टारगेट 3। टारगेट 1 में आपने क्या करना है बच्चों, टारगेट 1 में आपने कंप्लीट करना है अपना लॉजिकल रीजनिंग पोर्शन। कम से कम 10 से 15 दिन अगर आप स्टार्टिंग से भी करते हो तो भी 10 से 15 दिन के अंदर आप लॉजिकल रीजनिंग कंप्लीट कर सकते हैं, है कि नहीं है? इतना वास्ट नहीं है, कुछ थोड़े से जेन्युइन चीजें हैं जो आपको पता होनी होती है और आप आसानी से इस पेपर को निकाल सकते हैं। 4 आपके चैप्टर्स कवर होते हैं इसके अंदर, एक है पहला नंबर सीरीज, दूसरा है डायरेक्शन टेस्ट, तीसरा है ब्लड रिलेशन और चौथा है सीटिंग अरेंजमेंट। हर एक चैप्टर आपका 5 नंबर कैरी करता है, ठीक है? तो ये तैयारी आप आसानी से कर सकते हैं, 10 से 15 दिन आप दीजिए इसमें। रिवीजन करना है इसके साथ साथ आपने, ठीक है, इसके साथ साथ एक बार इन चीज़ों को रिवाइज भी करना है, इसलिए मैंने 10 से 15 दिन दिए हैं, ठीक है। ये पोर्शन जैसे ही आपका कंप्लीट हो जाता है आप आ जाइए स्टैट में। टारगेट नंबर 2, तो यहाँ स्टैट का अगर आपने देखा, मैंने कहा इक्वल वेटेज है 5, 5, 5, 20 नंबर, ये आपको लगेगा अब कि हाँ भाई अब कॉन्फिडेंस बिल्ट हो रहा है, कम से कम 20 नंबर का तो कर लिया, अब मुझे ज़्यादा फाइट नहीं करनी पड़ेगी, अब हार्डली मुझे और 20 से 30 अगर नंबर मैं टारगेट लेके चलता हूँ तो मैं पेपर निकाल लूँगा। अब आपने आना है टारगेट नंबर 2, व्हाट इज दिस टारगेट नंबर 2, अब आपने स्टैटिस्टिक्स को टाइम देना है बच्चों, 30 डेज इज एनाफ। अब 30 डेज के अंदर सारे चैप्टर्स तो देखो कंप्लीट नहीं होंगे, बट जो चैप्टर बताने जाने वाला हूँ वो चैप्टर सबसे ज़्यादा वेटेज रखते हैं, वो चैप्टर आप कर लो तो आप आसानी से स्टैट पोर्शन में भी अच्छे मार्क्स गेन कर सकते हैं। बट ध्यान रखना कि यही चैप्टर करने हैं आपने, इसके अलावा और चैप्टर आपको करने की ज़रूरत नहीं है। कई सारे बच्चे बोल रहे हैं सर हमारा तो स्टैट ख़त्म हो गया, मैंने तो फरवरी से स्टार्ट कर दिया था, मैंने तब से स्टार्ट कर दिया था। तो बच्चों आप लोग के लिए कहूँगा कि रिविज़न ज़रूर करें, ऐसा नहीं कि कर लिया अब बिल्कुल 1 महीना जब रहेगा पेपर का तब करना है, तो आप लोग अभी से रिविज़न जुट जाइए। हमारा ऑल इंडिया टेस्ट हर संडे होता है 2 बजे, सेम डे रिजल्ट आता है, तो उसको देना ना भूले, वो आप लोग के लिए एक जड़ी बूटी साबित होगी, ठीक है। आपका जो परसेंटेज है मार्क्स का वो जरूर बढ़ेगा अगर आप जो संडे हमारा जो टेस्ट होता है अगर वो देते हैं तो जरूर दें आप लोग, और उसका जो लिंक है आप डिस्क्रिप्शन में देख सकते हैं। चलिए अब सर इसके अंदर कौन कौन से चैप्टर करने हैं बच्चों, तो चैप्टर नंबर 1 मेजर ऑफ सेंट्रल टेंडेंसी एंड डिस्पर्जन, बहुत ही इंपॉर्टेंट चैप्टर है ये, ठीक है। इसे आपका सीधा सीधा 8 से 10 मार्क्स के इसमें क्वेश्चन आपको देखने को मिलेंगे, और अगर आप इसके फॉर्मूले अच्छे से कर लो, प्रैक्टिस कर लो, है ना, कैसे करना है लिख लिख के करना है, कोशिश करो कि जो मॉर्निंग आवर्स हैं वहाँ फॉर्मूला लिखे उस टाइम, वो ज़्यादा दिमाग में बैठा रहेगा, ठीक है। उसके बाद आ जाइए आप नेक्स्ट कोरिलेशन एंड रिग्रेशन, ये भी आपका 6 से 8 मार्क्स को देखने को आपको मिलेगा, ठीक है। इसके भी अंदर फॉर्मूलेज हैं, ये फॉर्मूले प्रैक्टिस करो, ये 2 चैप्टर जो हैं ज़्यादातर फॉर्मूला बेस्ड हैं, ये आपने करना है, ठीक है। उसके बाद आते हैं हम इंडेक्स नंबर, ठीक है। इंडेक्स नंबर बच्चों ये भी आपको 6 से 8 मार्क्स आपको यहाँ पे देखने को मिल जाते हैं डायरेक्ट, इसमें से कुछ थ्योरी क्वेश्चंस भी आपको पूछे जाते हैं, तो ये थ्योरी पोर्शन के हिसाब से आप इसको ज़्यादा से ज़्यादा मेरे ख्याल से 4 दिन के अंदर आप आसानी से कर सकते हो, ठीक है। 4 से 5 दिन लगा लो तो इस पे फोकस करें। और आखिरी जो चैप्टर है यहाँ से सीधा सीधा 6 से 8 मार्क्स आपके थ्योरी क्वेश्चन देखने को मिलते हैं, और ये चैप्टर है स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा। कहीं ना कहीं आपने छोटे क्लास में 7th 8th में पढ़े हैं हिस्टोग्राम, बार डायग्राम, है ना, प्राइमरी डेटा, सेकेंडरी डेटा, तो सिंपल क्वेश्चन पूछे आते हैं, ज़्यादा टफ क्वेश्चन नहीं आते इसमें से, तो इस चैप्टर को करना नहीं भूलेंगे आप,
ठीक है, ये तो करना ही करना है। अगर आप ये कर लेते हैं तो लगभग आप लगा लो 8, 8, 16, 2, 20, 4, 24, 30, लगभग लगा लो यहाँ से 30, ये पूरा पास ही है एक बार लगभग, है ना, 20 किससे, यस लॉजिकल रीजनिंग, यहाँ से लगभग आप लगा के चलो 30 मार्क्स, ठीक है, इन चैप्टरों से। तो इन चैप्टर को बिल्कुल भी नहीं छोड़ना है, पूरे दिल से प्रैक्टिस करना है बच्चों, एक महीना काफ़ी है, एक महीना इन चैप्टर्स के लिए आप लोग के लिए काफ़ी है। अब आते हैं हम आखिरी टारगेट नंबर 3, क्या है सर टारगेट नंबर 3, तो ये है बच्चों बिजनेस मैथमेटिक्स 20 डेज, 20 डेज, 20 दिन आपने बिजनेस मैथमेटिक्स में देना है बच्चों, ठीक है। और इसके अंदर सारे चैप्टर्स नहीं करने, कई बच्चे कहते सर डेरिवेटिव नहीं आ रहा, इंटीग्रेशन नहीं आता है मुझे, सर सेट्स में दिक्कत आती है, नहीं आ रहा है, तो जरूरत नहीं है, सिर्फ आप 2 चैप्टर करेंगे, क्या टाइम वैल्यू ऑफ मनी, जिसका सीधा सीधा आपका 14 से 15 मार्क्स के क्वेश्चन देखने को मिलते हैं और बहुत इजी आते हैं, ऐसा टफ नहीं है। आपको सिंपल इंटरेस्ट, कंपाउंड इंटरेस्ट आपने पहले भी कर रखा है, एक नया टॉपिक आ जाता है एन्यूटी, बस उस पर थोड़ा फोकस करना है आपने, आराम से आप कर लेंगे बच्चों, ठीक है। और दूसरा आ गया आपका रेशियो, प्रोपोर्शन, इंडिसेस एंड लॉगरिथम, यहाँ से सीधा सीधा डायरेक्ट आपको 5 से 6 मार्क्स देखने को मिलते हैं, ठीक है, बहुत ही आसान चैप्टर है। तो इनमें 20 दिन काफ़ी है, अगर आप इसमें लगा लो 8 दिन दे देते हो और टाइम वैल्यू ऑफ मनी में 12 दिन अगर लगा देते हो टाइम, तो आप आसानी से ये चैप्टर भी कवर कर लेंगे दोनों आसानी से, ठीक है बच्चों। तो ये थी आपकी टोटल स्ट्रेटजी, अगर इसको आप फॉलो करते हैं तो मोटा मोटा 70 मार्क्स आपके बन रहे हैं, है कि नहीं है। तो बिल्कुल बच्चों सीरियस हो जाइए, जैसे आप लोग को बताया है वैसे ही करना है, ठीक है। टोटल डेज कितना दिया यहां तक आप लोगों ने, सर हमने लॉजिकल रीजनिंग में आपने बात करा मोटा मोटा 15 डेज, उसके बाद आया हमारा स्टैटिस्टिक्स में 30 डेज और मैथ्स के अंदर 20, तो ये टोटल जो डेज हम दे रहे हैं 60 और 65, अभी भी हमारे पास कितना 25 दिन बाकी है बच्चों, कितना 25 दिन, बहुत होता है बच्चों। और ये 25 दिन आपने क्या करना है, फुल रिवीजन, जैसे कि मैंने अभी कहा काफी बच्चों ने पहले से स्टार्ट कर रखा है तो वो जरूर टेस्ट दे, ठीक है, उससे उनको पता चलेगा कि गलतियां कहां हैं, रिवाइज मल्टीपल टाइम्स रिवाइज करिए इन चैप्टर्स की। तो अब इन 25 दिनों में आपने यही करना है बच्चों, सर कहां से करें प्रैक्टिस, कैसे करें सर, कौन कौन सा चीज करें, तो इसके लिए बताने वाला हूं आपको रिविजन प्लान 25 डेज कैसे करना है। सर इसके लिए आपने सबसे पहले देखो क्या आईसीआई जो मॉड्यूल है उसके एक्सरसाइज क्वेश्चन नहीं छोड़ने, खास करके अगर मैं बात करूं तो जो सेट बी है वो जरूर करना है, ठीक है, स्टैट पोर्शन में जो सेट बी है वो आपने जरूर करना है, स्टैट पोर्शन की मैं बात करूं यहां पे सेट बी खास करके, ठीक है। और थ्योरी के लिए जो सेट ए है थ्योरी पोर्शन का, जैसे मैंने आपको इंडेक्स नंबर बोला, स्टैटिस्टिकल डिस्क्रिप्शन ऑफ डेटा, तो उस थ्योरी के लिए आपको सेट ए करना है बच्चों, ठीक है। तो यहां पे आपका ये कवर हो जाएगा। इसके बाद जो मॉक टेस्ट पेपर्स हैं वो देना है, ठीक है। मॉक टेस्ट पेपर में क्या होता है, ये आपको आइडिया मिल जाता है कि जो पेपर का पैटर्न है किस तरीके का रहने वाला है, किस तरीके के क्वेश्चंस आने वाले हैं, ये आपने जरूर करना है। और आखिरी में रिपीटेटिव आस्क्ड क्वेश्चन, जो रिपीटेटिव आस्क्ड क्वेश्चन बार बार पूछे गए हैं एग्जाम में, वो क्वेश्चन तो करने ही करने, आ रही बात समझ में, सर ये कहां से मिलेगा रिपीटेटिव क्वेश्चन। तो बच्चों रिपीटेटिव आस्क्ड क्वेश्चंस के लिए आप हमारी परफेक्ट प्रैक्टिस बुक मैथ्स स्टैट एलआर का ले सकते हैं, ठीक है, नीचे डिस्क्रिप्शन में आपके साथ लिंक दिया गया है, ये आप कर सकते हैं। तो मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए जय श्री श्याम।